उतरो। देखो ऐसा मेरे साथ बदतमीजी मत करना प्लीज। मैं शराफत से कह रहा हूँ ना उतरो, वरना मैं यकीन मानो भी जाऊंगा तुम्हारे अम्मी अब्बू के पास और उनको लेकर कॉलेज जाऊंगा और वो भी फिर कमेटी के सामने पेश होंगे और फिर सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए जो कह रहा हूँ करो। और भाई लड़की को क्यों छेड़ रहे, बुलाऊं पुलिस को? हाँ हाँ बुला, फिर सब पहले मिलके थाने जाएंगे फिर उसके बाद कॉलेज, ठीक है? नहीं नहीं मैं जानती हूँ इसे। ऐसा क्या मसला है तुम्हारे साथ, आखिर तुम चाह क्या रहे हो? बैठो बैठो बैठो। आकाशा, आपने जो मेरे सामने केस रखा था, आप जानती हैं वो कितना सेंसिटिव इशू था? तो मेरे सामने वो केस रखने से पहले आपने तसल्ली कर ली थी कि वो हैरेसमेंट का केस है या इन दोनों का है? सर, सिद्रा ने खुद आपके सामने सारे सबूत पेश किए थे और आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। कमेटी ने तो और भी बहुत कुछ देखा है मिस आकाशा। आपने एक तरफ की कहानी सुनाई, ये नहीं बताया कि ये दोनों 6 महीने से अपनी मर्जी से चैट कर रहे थे। यहां तक के फेसबुक पर एहसन चौधरी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी पहले सिद्रा इकबाल ने भेजी थी। आपको इस सब का पता था, आपने छुपाया तो बहुत गलत किया। और अगर आपको इस सब का नहीं मालूम था तो फिर आपने अपने जाती मकासद के तहत इस बात का इस्तेमाल। जाती? मेरा क्या जाती मकसद होगा और मैं क्यों ऐसा करूंगी? एक स्टूडेंट ने मुझे एक प्रॉब्लम के साथ रीच आउट किया, उसके पास कुछ सबूत थे और स्टूडेंट और सबूत को लेकर मैं आपके पास आ गई। सर ये ठीक है मिस आकाशा कि सब इसने किया, मगर इसे इसके लिए उकसाता कौन रहा? रात को 3 बजे के बाद कॉल करने का कौन कहता रहा? सिद्रा इकबाल क्या ना गलत कह रहा? चैट के स्क्रीनशॉट्स आपने दिए हैं तो एहसन ने भी दिए। मैं देख सकती हूँ चैट प्लीज? हाँ जरूर। सर, मैं अपनी कंप्लेन वापस लेती हूँ। क्यों, ये क्या कह रही हो तुम सिद्रा? एक्सक्यूज मी मिस आकाशा, आप उस पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही हैं। आपकी तरफ से गलत शय उसका करियर तबाह कर सकती है। लेकिन क्यों, इस चैट में ऐसा क्या है? क्या हो गया अगर सिद्रा ने पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी एसन को? इससे क्या उसे ये लाइसेंस मिल जाता है कि वो जिस तरह के चाहे मैसेजेस करे उसे? यानी लड़की ने पहल कर ली तो लड़के के पास खुली छूट है? मैं कंप्लेन वापस ले रही हूँ। I'm sorry। सर मैं बताता हूँ आपको, हुआ ये था कि मेरी और सिद्रा की लड़ाई हो गई। उसके बाद उस लड़ाई के गुस्से में सिद्रा ने सब कुछ मैम आकाशा को बता दिया और मैम आकाशा ने आकर आपको कंप्लेन कर दी। और वैसे भी अब तक सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। इनफैक्ट हम लोग आज कॉलेज एक साथ आए हैं। अगर आप चाहें तो सिद्रा से खुद पूछ सकते हैं। मैं अगर चाहूँ ना तो तुम दोनों को अभी कॉलेज से निकाल सकता हूँ। तुम्हारे वालिदैन को बुलाऊं और दिखाऊं तुम्हारे करतूत।
बोलो, बुलाऊं? नहीं सर, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिएगा सर, आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आई प्रॉमिस। जी सर, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, गलती होगी, माजरत। शट अप, दोबारा गलती नहीं। अपनी उम्रें देखो और काम देखो। मैं तुम लोगों को आखिरी मौका दे रहा हूं, आज के बाद कॉलेज में या बाउंड्री के बाहर भी एक साथ नजर आए तो बहुत बुरा होगा। पढ़ाई पर तवज्जो दो। नाउ गेट आउट। शुक्रिया सर।